यहीं पे सुरेंद्र जी एक सवाल चूँकि अभी बात हुई अदालतों से बच जाते हैं कानून इस तरीके का बनाया गया है चलिए कई बार होता है कि पुलिस ने काम ठीक से नहीं किया जांच ठीक से नहीं की सबूत पेश नहीं किया इसलिए आप अदालत से बच गए जैसे छावला केस लेकिन एक उसका उल्टा और एक एग्ज़ाम्पल है उस पर आपकी अपनी पर्सनल राय जानना चाहता हूँ इस देश के एक पूर्व प्रधानमंत्री का कत्ल होता है राजीव गांधी का श्रीप्रेम दुरू में एल के जरिए कराया गया था उसमें बाकायदा हर कोर्ट ने सजा दी पहले डेथ पेनल्टी थी फिर उम्र कैद जब तक जिंदा है जेल में रहेंगे जिसमें नलनी से लेके बाकी छः लोग थे अभी लास्ट वीक सुप्रीम कोर्ट ने उन छः के छः लोगों को कहा कि अब इनको बरी कर दो क्योंकि ये तीस इकतीस साल जेल में रह चुके हैं तो एक तरफ तो चलिए कि अदालत में सबूत और ये सारी चीज़ें ना हो आप बरी हो जाते हैं लेकिन दूसरी तरफ ऐसे क्राइम में जिसमें एक देश के एक प्राइम मिनिस्टर का कत्ल हुआ है और उसमें फिर इकतीस मतलब साल तक जेल में रहने के बाद छोड़ दिया जाता है आप इसको किस ढंग से लेते हैं आप किस में राय क्या है ये देखो ना जो जो आप कह रहे हो ना पैंतीस तीस साल इतने सालों की सजा ये भी तो रिसेंट शुरू हुई है पहले तो जब उम्र कैद वर्ल्ड कहते थे तो चौदह साल ही मानी जाती थी वेस्टर्न कंट्रीज़ में तो डेढ़ सौ साल की सजा सुनाते हैं वो सब सुनाते हैं उन्हें पता है कि ये इतने साल जिंदा रहने वाला नहीं है ना रहे हमें क्या लेना है इससे तो इस पे आपकी क्या राय है मतलब सुप्रीम कोर्ट ने सजा तो जी सख्ती होनी चाहिए सजा दर्द बन के नहीं होती कोई कहे मैं बड़ा पछता रहा हूँ बीवी का कत्ल कर दिया इतने से नहीं छूट सकता इग्नोरेंस ऑफ लॉ इज नॉट ए क्राइम आप ये कहो मुझे मालूम नहीं था कि मैं पकड़ा जाऊँगा तो उम्र कैद होगी या फांसू की सजा होगी तो ये जो इग्नोरेंस है ये परमिटेड नहीं है ये ये नहीं मानी जा सकती एक सवाल और सर उसके बाद मैं चाहूंगा कि कुछ लोग बैठे उनसे भी पूछूंगा आपसे वो सवाल हालांकि मेरे अपने पेशे के भी खिलाफ है मैं क्राइम रिपोर्टर हूँ वो खत्म हो गया तो फिर मेरी नौकरी भी चली जाएगी क्या कभी जुर्म कम होगा या खत्म होगा क्या क्राइम कभी खत्म होगा ना नेवर बिल्कुल सवाल ही नहीं पैदा होता नहीं। इंसानी फितरत है लकीर के अलग से चलने की वो सीधा नहीं चल सकता वो दाएं बाएं वो इसके सब के सिलसिले और दूसरे हिंदुस्तान पे तो ये बात इसलिए लागू है कि हमारा वेस्टर्न कंट्रीज में जैसे रोटी कपड़ा मकान की हर सिटीजन की गारंटी है हमारे यहाँ तो नहीं है आज रिसेंट नारे नूरे लगने लगे हैं बेशक लगे अमल में तो नहीं लाए जाते ना लोग भूखे मरते हैं हर कुछ होता है फुटपाथ पर सोते हैं करते हैं या नहीं करते तो फिर ये इतने बड़े बुनियाद में जब आदमी भूखा मरेगा जब आप उसको बिल्कुल पीठ दीवार के साथ लगा दोगे कार्य कर दोगे उसके तो वो कुछ भी करेगा उन्माद में करेगा कुछ भी करेगा